तो ये है बेंगलोर का टेक्नोलॉजी म्यूजियम, विश्वेश्वराय टेक्नोलॉजी म्यूजियम। और यहाँ पे देख सकते हो आपको इन सारी चीजों को देखने को मिलेगा, वो भी फ्लोर के हिसाब से। तो चलो थोड़ी देर में इसके अंदर चलते। तो गाइस देख सकते हो हम यहाँ टेक्नोलॉजी म्यूजियम आ चुके हैं। काफी ज्यादा मजा आने वाला है यहाँ पे। तो देखो सामने जेट विमान भी है, देखो कितना मजेदार लग रहा है ना। सही है, लेकिन भीड़ भी काफी ज्यादा है म्यूजियम में। एक यहाँ पे इंजन टाइप का भी दिखा, ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है, स्टेशनरी स्टीम इंजन यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये ऐसा कुछ टाइप का इंजन है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मस्त लग रहा है ना, ये एकदम बेहतरीन इंजन लग रहा है यहाँ पे। ये है वो एरोप्लेन का ढांचा जो कि एक टेक्नोलॉजी म्यूजियम के बाहर रखा गया, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफी काफी मतलब मजेदार लग रहा है। और ये रहा मैं थोड़ा सा अपने आप को दिखाते हुए एरोप्लेन के पास। देख सकते हो एक और स्टीम इंजन है, कितना मस्त लग रहा है ना ये, बेहतरीन सा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी बस टिकट ले रहे हो, के बाद म्यूजियम जाएंगे और म्यूजियम में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलेगी हमें देखने को। जैसे ही हम एंटर किए हमें दिखा पहले फ्लोर पे बहुत बड़ा सा एरोप्लेन। ये अभी तक का पहला एरोप्लेन था जो बनाया गया था राइट ब्रदर्स ने और इसको उड़ाया गया था। और पास ही एक यहाँ पे डायनासोर था। देख सकते हैं यहाँ पे एरोप्लेन भी है, पीछे पीछे डायनासोर भी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे मतलब साइंस के थ्रू यूज़ होती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे व्हील और एक्सल है, और इन सारी चीज़ों को हम मतलब ऐसे छेड़ के देख सकते थे। छोटा पहिया है तो इतना मेहनत नहीं लग रहा, बड़े पहिए में मेहनत कम लग रहा है, छोटे पहिए में ज्यादा मेहनत लग रहा है। और यहाँ पे भी कुछ अजीब सी चीज है, ऐसे कुछ खींचना पड़ेगा तो ये ऊपर आ रहा है। पुली सिस्टम है, पुली सिस्टम। इसमें देखो ये एंगल जो है ना, ये तो खिंच जा रहा है इससे, लेकिन ये एंगल से खींच नहीं रहा। एकदम लगा दो, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू वगैरह है और यहाँ पे गियर्स वगैरह है। आप लोग देख सकते हो कैसी हमारी रोजमर्रा में कितनी सारी यूजफुल चीजों का काम आता है जो साइंस पे थ्रू बेस्ड होती है। से ये गियर है, यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी अजीब अजीब चीजें थी है, एक्चुअली पता नहीं पता कहते हैं, पर जो भी आप देख सकते हो यहाँ पे पुली सिस्टम है। देख सकते हो यहाँ पे पापा कैच के दिखा रहे हैं। देखो ये भारी है, ये नहीं खिंच रहा, ठीक है, काफी भारी है। यहाँ पे दो पुली लगी है, ये थोड़ा हल्का खींच रहा है, ये वाला खींचते हैं, ये वाला बड़े आसानी से खिंच जा रहा है। इसमें तीन पुली लगी हुई है और इसमें चार पुली लगी हुई है। ये देखो एक थी, इसमें दो थी ऊपर नीचे, इसमें तीन है, इसमें चार है। सबसे आसान होगा, एक बार में खिंच जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ मैकेनिक्स वगैरह दिखा रहे थे जैसे कि आप लोग देख सकते हो। थोड़ा ऊपर की साइड थे, अभी जैसे नीचे जाएंगे फिर आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं। तीन अजीब प्रकार की चीजें हैं यहाँ पे, हर टाइप के मैकेनिज्म ना आजकल काम में आते हैं वो सब चीज यहाँ पे है। उसके बाद हम नीचे, और यहाँ पे हमें दिखा एक रोवर जो कि मतलब स्पेस में जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के चीजें हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इंजन में एक बॉल सी भी आ रही है ऊपर। मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैकेनिक इधर देख सकते हो पूरा ऊपर ना एक ऐसा चीज दे रखा था, मतलब बॉल अपने आप जाती रहती है, घूमती रहती है, और यहाँ पे सारे बच्चे एक्साइटेड हैं। बॉल जा रही है, देखो भाई ये सारे लोग ना बॉल के ऊपर ले जा रहे हैं, जा रही है धीरे धीरे ऊपर तक जाएगी, फिर देखते क्या रहता है। यहाँ पे हमें ताकत लगानी पड़ेगी, बच्चे ताकत लगा रहे हैं कुछ तो। देख सकते हो यहाँ पे ना ये बच्चा अपनी स्प्रिंग को अच्छे से ऐसे घुमाता रहेगा, और जैसे गोल गोल घूमते रहेगा ये देखो बॉल ऊपर जाएगी, और फिर ना ये बहुत ही मस्त सा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। अरे यहाँ पे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं बॉल को कलेक्ट करने के लिए, जिससे कि फिर से डाले और मजा आ जाए। देख सकते हो अभी बॉल आएगी, धीरे धीरे आ रही है, बहुत ये आ गई बॉल, यहाँ पे बच्चे बॉल कलेक्ट करेंगे। समझे लगता है दूसरा पुलिस सिस्टम है और मैजर। बाकी देख सकते हो भाई काफी मजेदार चीजें देखने को मिल रही है यहाँ पे, काफी अच्छी अच्छी मतलब चीजें है यहाँ पे हर तरह की। मोस्टली तो मैं वॉइस ओवर करूंगा, पता नहीं आवाज आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी साहब, आई होप अच्छे से आ रही हो आवाज साहब। बाकी देख लो और क्या क्या देखने को मिलेगी यहाँ पे।
यहाँ पे एनिमल पावर भी लिखा हुआ है, तो पापा एनिमल पावर यहाँ पे अच्छा गाय की पावर से हम वो बनाते थे। और यहाँ पे विंड पावर देखिए, विंड मिल, आपने विंड मिल देखी होगी ना, विंड से हम क्या कहते हैं एनर्जी बनाते हैं, वही चीज है, बस ऐसे पुराने जमाने में करते थे। ये देखो गाइस, ये अवैध का चीज, तो ये मुझे लगता है क्या हो सकता है, रोल्स रॉयस जेट इंजन, रोल्स रॉयस का जेट इंजन है गाइस, असली इंजन है ये तो, बिल्कुल बेहतरीन लोहे का यहाँ पे बना हुआ है, बिस्किट इंजन बिल्कुल असली इंजन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितने बड़े इंजन है, मेरे से देखो साइज के कंपेरिजन में कितना बड़ा इंजन है, वाला इंजन भी आपने देखा होगा एरोप्लेन का, मस्त लग रहा है। और ये वाला इंजन भी देखा होगा आपने, प्रोपेलर इंजन भी है, फ्लाइट सिमुलेटर भी है यहाँ पे कुछ कुछ, शायद तो गेम है फ्लाइट सिमुलेटर, तो लिखा हुआ है मूव थ्रॉटल करके, मूव फॉरवर्ड टू रेडियस, कुछ तो दे रखा है। बाकी यहाँ पे अजीब अजीब चीज है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मजेदारी चीज है एकदम, मजा आ गया एकदम, यूनिक सी चीजें देखने को मिल रही है। पार्क तो मेरे को इतना खास नहीं लगा था, लेकिन ये काफी सही लग रहा है, यहाँ पे और भी कुछ इंटरेक्टिव चीज है, इंजन के बारे में ज्यादा दे रखा है, देख सकते हैं ये भी छोटा सा इंजन है, सारे इंजन देखो गाड़ी का इंजन है, शायद से चल भी रहा है, नीचे ये सब पिस्टन विस्टन स्पार्क प्लग, ये सारे डीजल इंजन आ गए यहाँ पे इस प्रकार के, तो शेवलेट वाली इंजन था, ये असली डीजल इंजन मस्त लग रहा है ना, ये बिल्कुल असली चीजें रखी हुई है इन्होंने, देख सकते हो इसके बारे में कुछ दे रखा है ऐसा कुछ है। और ये देखो हॉट टेयर बलून का इंजन दे रखा है, इंजन के ऊपर थंबनेल के लिए ले लेते हैं। प्रिंटिंग मशीन भी देख सकते हो, अलग अलग प्रकार की प्रिंटिंग मशीन है यहाँ से, मस्त देखता हूँ तो देखो यहाँ पे। यहाँ पे काफी मस्त मस्त चीज है गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मजेदार, यहाँ पे भी कुछ है अच्छा अरे पजल बनाने का दे रखा है, ट्राइंगल इन पीसेस से हमने ना पजल बना लिए, मस्त देखा। तो गाइस अभी तो आपने फर्स्ट फ्लोर देखा था, अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, देखते सेकंड फ्लोर पे क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी हम लोगों को। तो गाइस के बाद हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ पे देखो हमें ये क्या देखने को मिला है, यहाँ पे हम हवा से ऐसे जो मतलब बॉल है इसको ऐसे ऐसे हिला सकते हैं, मस्त है कुछ तो। एक और खेल खिलौना मिला यहाँ पे, हम ऐसे उसको लुढ़काएंगे तो इधर गया, और उधर से करेंगे तो ऐसे, मतलब स्क्वायर है लेकिन लुढ़क जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये सीधा डंडा है, और ये ऐसे सी टाइप का शेप है, और इसमें से ऐसे निकल जाता है नहीं, बेहतरीन चीज़, बहुत मस्त मस्त चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पे। ये कर रहा है बच्चा कुछ तो शैतानी, ये घुमा दिया इसने, ये घुमा दिया भाई साहब। उसी के बगल में जाते हैं तो यहाँ पे ये देखो तूफान बना दिया है, मतलब आप देख सकते हो ये रेत उड़ते हुए दिख रही है, और ऐसे तूफान सा बन रखा है इस चैम्बर के अंदर, देखो पानी वो बन जाएगा साइक्लोन। अजीब अजीब प्रकार की चीज है, जैसे कि आपने देखा साइंस से रिलेटेड, मतलब मैं शायद वॉइस ओवर करता हूँ क्योंकि आपको शोर भी हो रहा है, बट फिर भी है काफी मजेदार चीज है, आप देखने की मजा आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। गाइस में हमारा बॉडी वेट बताएगा, मतलब बॉडी में कितना वाटर परसेंटेज है, देखते हैं बॉडी वेट कितना आएगा और वाटर परसेंटेज कितना आएगा। मेरा वजन 98 था, 55 kg वाटर ही है, देखो 70% हमारी बॉडी वाटर से बनी होती है। यहाँ पे अजीब अजीब चीज है मजेदार, ये थोड़ा है तो देखने लायक सकता है। यहाँ पे गए साइंस म्यूजियम कुछ ऐसा सही है, आई होप आपको मस्त लग रहा होगा, है ना, एकदम अजीब अजीब चीजें हैं यहाँ पे साइंस से रिलेटेड, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अधिकतर जो सिनेमेटिक या फिर वॉइस ओवर होगा, देखते हैं एडिटिंग के टाइम वही तो पता चलेगा। बाकी यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज है, हाइडल पावर पानी, अह
गाइस अब थर्ड फ्लोर की बारी है, चलो चलते हैं थर्ड फ्लोर और देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सब ऐसी स्पेस स्पेस का टाइप का चीज है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अलग अलग प्रकार की चीजें यहाँ पे वेट बता रहे डिफरेंट प्लैनेट पे। यहाँ पे गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो अलग अलग प्रकार की चीज है साइंस म्यूजियम में, बाकी देख रहे हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं और क्या क्या चीजें अभी चीजें, और सारी चीजें हम छू भी सकते हैं, तो बड़ा मजेदार है, इंटरेक्टिव चीज है, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम यानी फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे, चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या है। ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील का भी कुछ दे रखा है, देख सकते हो गाइस यहाँ पे बैठे हुए ये देख सकते हो यहाँ पे पूरा एयरपोर्ट ही बना रखा है मस्त एकदम। तो गाइस अभी जा रहे हैं साइंस फॉर किड्स में, बड़ा मजा आने वाला है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा हमने यहाँ पे साइंस सिटी देखी थी, काफी सही लगी, अभी शायद बैंगलोर पहले जाएंगे। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे मुझे बाकी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।